आज हम सेकेंड ईयर जोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मिड ब्रेन। लास्ट टाइम हमने फोर ब्रेन को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 इज फोर ब्रेन, नंबर 2 इज मिड ब्रेन, नंबर 3 इज हिंड ब्रेन, ठीक है ना। तो आज हम मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज मिड ब्रेन? जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि मिड मीन्स सेंटर का पार्ट जो होता है, मिड में ये ब्रेन होता है। ऊपर फोर ब्रेन है, नीचे हिंड ब्रेन है, और सेंटर में जो ये आपको फ्लोजी सा नजर आ रहा है, दैट इज मिड ब्रेन। सो व्हाट इज मिड ब्रेन? मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 रीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है उसमें तीनों रीजन में सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो क्या है? मिड ब्रेन है। मेजरिंग अराउंड 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है लेंथ में, ठीक है ना। मैमल्स में, स्पेशली मैन में, ठीक है ना, मिड ब्रेन जो है स्मॉल होता है, छोटा होता है। इट विल रिसीव एंड इंटीग्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाइक विजन, ऑर्डर एज वेल एज सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। अच्छा, ये क्या करता है? ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको आगे जो है फॉरवर्ड करता है। कौन कौन सेंसरी इन्फॉर्मेशन? मीन्स विजन, जो हमारे देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन, एंड ऑर्डर, स्मेल, जो सूंघते हैं हम उनकी इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के सेंटर में, ब्रेन से के बेस से लेकर हमारे बॉडी के सेंटर, मतलब वर्टीब्रल कॉलम से गुजरते हुए हमारे जो स्पाइन तक मूव कर रहा होता है। और उसमें बहुत सारे उससे नर्व जो है पूरी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। उस नर्व से जितनी भी इन्फॉर्मेशन उस नर्व के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में आती है, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो क्या करता है, मिड ब्रेन जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर उसको रिले करता है फोर ब्रेन में, मीन्स ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। अच्छा, हिंड ब्रेन, इट इज़ अ थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है और ये फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन के बाद जो है हिंड ब्रेन आता है, मीन्स फोर मिड ब्रेन जो है सेंटर में आता है और इसके एक साइड पे फोर ब्रेन होता है, दूसरे साइड पे हिंड ब्रेन होता है, ठीक है ना। ओके, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, मीन्स के 3 पार्ट होते हैं। ये आगे जो है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 3 पार्ट उसके होते हैं। कौन कौन होते हैं? मेड्यूला ऑब्लिगेटा, सेरेब्रम एंड पोन्स। ये 3 पार्ट किसके? ये हिंड ब्रेन के पार्ट है, आपको याद रखने हैं, मेड्यूला ऑब्लिगेटा, सेरेब्रम एंड पोन्स, ठीक है ना। इसके अलावा जहाँ पे जैसे ये पोन्स है, ये मेड्यूला है, ये सेरेब्रम है, ये क्या है? ये पूरा हिंड ब्रेन है, ठीक है ना। इसके साथ ही नीचे जो है कुछ रेटिकुलर फॉर्मेशन भी होती है, तो इसलिए मैंने इसका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि आपको याद रहा। ये 3 पार्ट जो है ये हिंड ब्रेन के पार्ट्स है। इसके नीचे जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है वो नीचे ही होती है। इसका फंक्शन भी बताएंगे हम, ठीक है ना। ये रहा आपके पास पॉन्स है, मेड्यूला है, और ये मिड ब्रेन है, जो ये वाला ना, ये मिड ब्रेन है, और ये बस सेरेब्रम, ठीक है ना। अच्छा, पॉन्स और मेड्यूला जो है ब्रेन स्टेम का भी पार्ट, मतलब फॉर्म करते, इसलिए यहाँ पे जो है ना ब्रेन स्टेम भी लिखा हुआ है। और यहीं पे जो नीचे जो है ना, ये है जो आ रहा है ना, ये क्या है? ये रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, मीन्स ये बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स होती है, नर्व्स का नेटवर्क होता है, ठीक है ना। आगे फंक्शन बताते हैं। सो नंबर 1 इज मेड्यूला ऑब्लिगेटा। ये क्या है? एड्स का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये हैज अ रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर वाइटल टास्क, ठीक है ना। मेड्यूला ऑब्लिगेटा में क्या है कि इसके यहाँ पे रिफ्लेक्सेस बहुत सारे जो है ये इसके जरिए होते। रिफ्लेक्सेस का नाम आपने पहले भी सुना था कि व्हाट इज रिफ्लेक्सेस? रिफ्लेक्सेस मीन एनी सडन और ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री कोई जो एक्शन होता है उसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आइज पे एकदम किसी ने लाइट लगा दिए तो आप फौरन से अपनी आइज़ को ब्लिंक करेंगी, ऑटोमेटिकली ब्लिंक होंगी, आप चाहे या ना चाहे आपसे अचानक से ब्लिंक हो जाएगी आपकी आइज़, ये रिफ्लेक्स होता है। इसके अलावा जो है आपने गर्म पानी को हाथ लगाया, एकदम से गर्म है आप पानी है, आप अगर नहीं भी करेंगे तो खुद से क्या होगा, आपका हाथ एकदम से आप खींच लेंगे, मीन्स आप गर्म पानी को टच करते ही अपना हाथ खींच लेंगे। इस तरह अगर आपकी नी में कोई चीज़ किसी चीज़ से टक्कर हो जाए आपकी नी की ना, तो जो पेन होगा एकदम से आप उसको नी को पकड़ लेंगे पेन से, पेन क्योंकि इतना सख्त होगा, तो सारे रिफ्लेक्स है। लेकिन जो मेड्यूला ऑब्लिगेटा हम कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्स सेंटर है, रिफ्लेक्स को क्रिएट करता है, लेकिन ये वो वाले रिफ्लेक्सेस नहीं जो हमने ये पानी में गर्म पानी में हाथ डालने वाले या आइज ब्लिंक करने वाले, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सेस है ये वाइटल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गर्म पानी में हाथ लगाया, किसने गर्म पानी में हाथ लगाया, तो अगर वो हाथ उसने खींचा तो अच्छी बात है, उसने अपने हाथ को सेव कर लिया। लेकिन अगर वो नहीं खींचा, उसने रिफ्लेक्स नहीं हुआ, मीन्स तो क्या होगा, गर्म पानी उसका हाथ जला देगा, हाथ जलेगा, उसकी डेथ नहीं होगी उससे। लेकिन ये जो वाइटल टास्क के रिफ्लेक्स करवाता है, ये वो वाइटल टास्क जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं,
मीन्स अगर ये ना हो तो मे बी जिंदगी ख़त्म हो जाए, तो ये वाइटल टास्क इसलिए हम कह रहे हैं कि कौन से रिफ्लेक्स का बताया वाइटल टास्क, जिसके ब्रीथिंग सांस लेने का लेना, हार्ट बीट तेज हो जाना एकदम से, आप डर जाते हैं या तो क्या होता है कि आपको हार्ट बीट तेज होती है, आप रनिंग करते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्सेस है। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा कम होना और कफिंग और स्नीजिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कफिंग स्नीजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कफिंग और स्नीजिंग तभी होती है जब भी कोई फूड पार्टिकल या कोई और चीज़ जो है आपकी आप सांस लेते हैं तो आपकी विंड पाइप से गुजरे तो एकदम से आपको कफिंग हो जाएगी, स्नीजिंग हो जाएगी। क्यों? ताकि वो जो पार्टिकल है वो आपके वहीं से आपकी बॉडी में रुक जाए, वहीं से निकल जाए आपकी जो है कफिंग या स्नीजिंग के ज़रिए। अगर कफिंग और स्नीजिंग ना हो तो वो पार्टिकल वो क्या होगा आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके बैठ जाएगा और बैठते बैठते वो बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो मीन्स कफिंग और स्नीजिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थी रहने के लिए, ठीक है ना। देन स्वेलिंग, स्वेलिंग जब भी हम खाना खाते हैं तो आपको पता होगा कि दो कैविटी मूव कर रही होती है, हमारे ऊपर जो है नेजल कैविटी होती है जिससे हम सांस ले रहे होते हैं और नीचे जो है फूड जो वाइट पाइप है हमारा जो ओरल कैविटी होती है मीन्स जिससे हम फूड ले रहे होते हैं, तो बीच में पैलेट होता है। पैलेट क्या करता है, हमारे नेजल कैविटी और जो ओरल कैविटी को आपस में सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो हम एयर ले रहे हैं और फूड पार्टिकल्स आपस में हमारे नेजल कैविटी से मूव ना नेजल कैविटी के पास ना जाए। लेकिन क्या होता है कि नीचे जब होता है तो ऑसोफेगस फेरनेस के बाद ऑसोफेगस में ये दोनों जो कैविटी आपस में मिल रही होती है तो वहाँ पे एक और जो है ऑर्गन टाइप का होता है, ऑर्गन होता है मीन्स गॉल्टस जो कहते हैं, जैसे ऑसोफेगस की ओपनिंग जो है गॉल्टस को बोलते हैं, उसके साथ ही एक और कवर सा होता है जिसको एपिगॉल्टस कहते हैं। तो एपिगॉल्टस क्या करता है, जब भी आप फूड को स्वेल कर होते हैं मतलब बॉडी में ले रहे होते हैं तो जो एपिगॉल्टस है वो गॉल्टस के ऊपर जो एसोफेगस है उसकी सांस की नाली है उसको क्या करेगा, उसको वहाँ पे सांस की नाली को कवर कर लेगा। क्यों कवर करेगा, ताकि जो फूड पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में मीन्स ओरल कैविटी से गुजरते हुए एसोफेगस तो गुजरे लेकिन जो ना विंड पाइप में ना जाए, अगर वो जाएंगे तो क्या होगा लंग्स में जाएंगे, लंग्स जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो ये जो है स्वेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी क्या होता है कि जब वॉमिटिंग कब होती है, जब कोई ऐसी चीज़ टॉक्सिक जो है आपके स्टमक में चला जाए जो आपकी बॉडी के लिए जो है बेनिफिशियल ना हो, तो आपकी बॉडी भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म के ज़रिए जो है क्या कहते हैं आपको वॉमिटिंग करवाता है ताकि वो जो टॉक्सिक है आपके बॉडी से रिमूव हो जाए, फर्दर जो है वो कुछ डैमेज वहाँ पर क्रिएट ना करे। तो ये सारे जो रिफ्लेक्सेस है ये क्या कौन करवाता है, ये मेडुला ओब्लिगेटा करवाता है और ये वाइटल टास्क है सारे मीन ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, तो इसलिए हम कहेंगे कौन से रिफ्लेक्सेस करवाता है, रिफ्लेक्सेस जो है वाइटल टास्क के रिफ्लेक्सेस होते हैं। देन सेकेंड पार्ट है हमारे पास सेलिब्रम, सेलिब्रम क्या है, ये जो है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करवाते हैं मीन मसल को आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो मसल्स हैं एंटीगोनिस्टिक है, एंटीगोनिस्टिक कौन से मसल होते हैं, वो मसल्स जो कि क्या करते हैं अपोजिट में काम करते हैं, अगर एक काम एक ने कर दिया तो दूसरा उसका अपोजिट करता है। जैसे कि हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किए थे कि बाइसेप्स जो है हमारे जॉइंट्स को क्लोज करवाता है और ट्राइसेप्स जो है हमारे जॉइंट्स को ओपन करवाता है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन क्रिएट करता है, सेरेब्रम। इस तरह जब हम चलते हैं तो हमारे कुछ मसल्स जो है हमें आगे चलने के आगे मूव करवाते हैं, कुछ जो है फिर हमारे पैर को पीछे मूव करवाते हैं, तो इन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर हम अपना हैंड को बंद और क्लोज ना कर सके, ओपन या क्लोज ना कर सके, तो ये कौन करवाता है, ये हमारा आपको पता है सेलिब्रम करवाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बैलेंस एंड पोजिशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस, हमारे बॉडी की पोजिशन को भी सेलिब्रम ही मेंटेन करता है और उसकी बैलेंस भी वही रखता है। बैलेंस कैसा, जब जिन लोगों का हम नॉर्मल इंसान है तो नॉर्मल मतलब जो हेल्थी पर्सन है तो उनका सेलिब्रम ठीक होगा, तो जब हम अपनी आइज क्लोज करते हैं तो हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो पेशेंट जिनके सेलिब्रम में कोई मसला होता है, सेलिब्रम ख़राब होता है, तो वो क्या होता है कि वो जब आंखें बंद करते हैं तो वो सीधे खड़ा नहीं हो पाते, वो गिरने लगते हैं, उनका बैलेंस नहीं रहता। ये किसकी वजह से हो रहा है, सेलिब्रम की वजह से हो रहा है। इसके अलावा जब वो हमें चलने में भी हेल्प कर रहा है, हमारा बैलेंस जो बॉडी पॉस्चर है उसको सीधा रखना और उसको बैलेंस रखना जो है सेलिब्रम का काम है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है ना। एज़ कम्पेयर टू अदर मैमल्स, ठीक है ना, ह्यूमन में क्या है सेलिब्रम का साइज़ जो है थोड़ा सा ग्रेट है। ओके, पॉन्स जो करता है, पॉन्स सेग्रेट करता है एक्टिविटीज़ लाइक मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, अच्छा पॉन्स भी जो है कुछ हद तक मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो ब्रीथिंग में मतलब सांस लेने में और स्लीपिंग में भी जो है नहीं जो है कुछ हद तक रोल प्ले करता है, लेकिन इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन।
जो हमारे ऑफिशियल एक्सप्रेशन होता है, क्या ये पॉन्स के जरिए जो है ये एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन से जो नर्व मूव कर रही होती है हमारे ऑफिशियल मसल्स में, वो एक्चुअली पॉन्स से ही निकल रही होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे इसका जो मेन फंक्शन है पॉन्स का, ये फेशियल एक्सप्रेशन की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। देन हमारे पास है जी रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है ना। रेटिकुलर फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है, कि ये नर्व्स की जो है ना एक नेटवर्क होता है, ठीक है ना। ये मेडुला के में, इट लाइज इन मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। ये कहाँ होता है? मेडुला में होता है, पॉन्स में होता है और मिड ब्रेन में होता है। हिंड ब्रेन के दो पोर्शन में, मीन मेडुला और पॉन्स में और मिड ब्रेन में होता है, ठीक है ना। इट मॉनिटर द मैसेज टू विच द नर्वस सिस्टम शुड रिएक्ट एंड टू विच इट शुड इग्नोर। ये मॉनिटर करता है, उन मैसेज को मॉनिटर करता है कि कौन से मैसेज को नर्वस सिस्टम को रिएक्ट करना चाहिए और कौन से किसको इग्नोर करना चाहिए, तो इनको मॉनिटर करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है यहाँ पे कि फॉर इंस्टेंस द मदर विल इंस्टेंटली अवेकन टू हर बेबीज क्राई वेल द फादर टेक्स इट एज एन रेवलेंट स्टिमुलस टू इग्नोर एंड एंजॉय द स्लीप। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी कि जब रात को कोई भी बेबी रो रहा होता है, ठीक है, तो उसकी मदर जो है, उसकी मदर को जो है उसके रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है उसको मैसेज देंगे कि आपका बेबी रो रहा है, ठीक है, तो वो उठ जाती है। लेकिन क्या फादर जो है क्या करता है? फादर नहीं होता, वो अपनी स्लीप इंजॉय कराता है। क्यों? क्योंकि फादर का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है वो उसको मतलब इतना उस मैसेज थोड़ा सा इरेगुलर समझ के उसको मतलब जो है नहीं अफॉर्ड करता, तो वो क्या करता है इस चेंज को जो है वो इरेवलेंट समझ लेता है, तो इग्नोर करता है और सोता है। तो ये मीन्स जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है क्या करता है, ये मॉनिटर करता है उन मैसेज को कि कौन से मैसेज पे नर्वस सिस्टम को रिएक्ट करना चाहिए और कौन से पे नहीं करना चाहिए। मीन्स मदर को, तो उसने मदर के रेटिकुलर फॉर्मेशन को उसने कहा कि मतलब रिएक्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, और फादर को इग्नोर करने को कहा, तो ये जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ब्रेन स्टेम, द ब्रेन स्टेम स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, मेडुला एंड पॉन्स, ठीक है ना। असल में जो ये जो रेटिकुलर फंक्शन हम कह रहे हैं, ठीक है ना, ये जो है इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ब्रेन स्टेम में आता है। ब्रेन स्टेम जो है इसमें मिड ब्रेन होता है, मेडुला होता है और पॉन्स, ये तीनों पार्ट जो है मिड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में आते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास एक पोर्शन है ब्रेन स्टेम का, मतलब जो है थोड़ा जूम करके दिखाया है कि ये ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन इसमें आएगा और मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड अवेकन, ठीक है ना। यह करता है कि इन्वॉल्व होता है सोने में और जागने में, जो है इसका जो है इन्वॉल्व होता है, उसको कंट्रोल करता है। देन स्पाइनल कॉर्ड, हमने कहा था कि नर्वस सिस्टम जो है SCNS जो है वो दो पार्ट पे डिवाइड, दो पार्ट है उसके मेन, एक ब्रेन एंड अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो और सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है ना। ब्रेन भी है, अच्छा, इट इज थिक व्हाइटिश नर्व कॉर्ड। क्या है? थिक है, मीन्स थिक है, लेकिन इतना थिक भी नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके काम से, इसके जितने काम हैं अगर उसको हम देख के हमें समझ रहे होंगे बहुत ही थिक होगा, लेकिन इतना थिक नहीं होता। इसका जो जो उसके डायमीटर होता है, तो 0.4 से लेकर 0.6 इंच तक, माइनस सॉरी 0.6 इंचेस जो है इसका साइज होता है डायमीटर, डायमीटर में, ठीक है ना। और ये वाइटिश होता है, नर्व कॉर्ड दैट लाई बिलो द मेडुला, जो मेडुला से नीचे लाई करता है, और एक्सटेंड डाउन टू द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रेट अप टू द हिप्स, हिप्स तक जो वर्टिब्रेट है, जो वर्टिब्रा है, ठीक है ना, हिप्स तक जो जा रहे, तो वहाँ से जो है ये गुजरा होता है, ठीक है ना। मीन्स ब्रेन के बेस से स्टार्ट होता है और जो वर्टिबल 33 वर्टिब्रिया है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, बी सेंटर में होल होता है, उस होल को क्या बोलते हैं, उसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं। उस न्यूरल कैनाल के जरिए अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड मूव कर रहा होता है, और कहाँ तक मूव कर रहा होता है, जो लास्ट वर्टिब्रा स्पाइन है, ठीक है ना, वहाँ तक मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। और जो है इसको, जिस तरह के हमने कहा था कि हमारे ब्रेन को जो है कुछ बोनियर मोर्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरह इसको भी जो है हमारा वर्टिबल कॉरम प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो है इसको जो फ्लड था CSF फ्लड भी इसको जो है प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो न्यूरल कैनाल होता है उसके इर्द गिर्द जो है क्या कहता है CSF फ्लो कर रहा है, तो वो भी इसको प्रोटेक्ट नरिशमेंट दे रहा होता है। इसके अलावा जो है मीनिंग से थ्री मेम्ब्रेन्स, हमने कहा था कि थ्री मेम्ब्रेन्स है, ड्यूरा और पाई मेटल
और जो है इसके अलावा जो है आर्किनॉइड जो 3 मेंबर्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है ये भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, मीन्स प्रोटेक्शन उसको मिल रही होती है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है ना। अच्छा, बिटवीन द वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा है ठीक है, नर्व्स कॉल्ड डॉर्सल रूट। हमें वर्टिब्रा के में क्या होता है कि इसके डॉर्सल रूट कहा जाता है वर्टिब्रा में, बिटवीन मतलब वर्टिब्रा के बीच में नर्व्स होती है, क्या करता है वो कैरिंग एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं उसके एक्सॉन उसमें होते हैं वहाँ पे। एंड वेंट्रल रूट्स में क्या होता है, एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। डॉर्सल साइड को, डॉर्सल साइड मीन्स जो बैक साइड होता है, वेंट्रल साइड जो मतलब फ्रंट साइड होता है, तो उसमें जो डॉर्सल साइड है उसमें क्या होता है एक्सॉन होते हैं, किसके एक्सॉन होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के, और वेंट्रल उसको क्या बोलते हैं डॉर्सल रूट कहते हैं, ठीक है ना। और वेंट्रल रूट जो है उसमें क्या होता है, इसमें एक्सॉन होते हैं मोटर न्यूरॉन्स के, ठीक है ना। अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से अराइजर होते हैं, बोथ ऑफ दीज मर्ज टू फॉर्म पेरिफेरल स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है ना। दोनों मर्ज क्या फॉर्म करते हैं, पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स जो है फॉर्म कर रहे होते हैं। फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड जो है पाथवे है फॉर मैसेज जिस सेंड बाय द ब्रेन टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। अच्छा, एक पाथवे है मीन्स एक हाईवे है जो कि मैसेज ट्रांसफर करता है, मैसेज कैरी भी करता है और रिसीव भी करता है, कहाँ से बॉडी से लेकर जाता है कहाँ ब्रेन तक, और ब्रेन से लेकर आता है बॉडी, मीन्स इससे बहुत सारे नर्व्स जो है निकल रही होती हैं, वो नर्व्स जो है बॉडी में मैसेज ट्रांसफर करती है और बॉडी से लेकर मैसेज ब्रेन तक लेके जा रही होती है। ना सिर्फ ये नर्व सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा होता है बल्कि जो स्ट्यूमुलस है, पेन स्ट्यूमुलस है मीन्स जो पेन के रिसेप्टर्स हैं उनको और बाकी कुछ जो स्ट्यूमुलस है उनको भी आपस में कोऑर्डिनेट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम को अगर हम देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड है मीन्स ये ब्रेन है, ठीक है ना। ब्रेन के बेस से ये स्टार्ट हो रहा है, ये 33 वर्टिब्रा है, ठीक है ना, यहाँ से 33 वर्टिब्रा है, ठीक है ना। और ये इसके सेंटर में एक होलो सा, जैसे ये यहाँ पे बताया गया है कि होलो सा कैविटी होती है जिसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, यहाँ से मूव करता हुआ नीचे तक आ रहा है। अच्छा, हर दो वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है कि एक डिस्क होती है, डिस्क क्या करती है कुशन का काम करती है और शॉर्क एब्जॉर्बर का काम करती है, ठीक है ना, वर्टिब्रे कॉलम को, क्यों और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड को भी सेव कर रही थी ताकि कोई भी मतलब शॉक मिले या कोई भी जैसे फोर्स मिले वर्टिब्रे कॉलम में तो स्पाइनल कॉर्ड जो है डैमेज ना हो, ठीक है ना। और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत ही मतलब वाइटिश सा होता है, नर्व कॉर्ड जो है वाइटिश सा होता है और ये थोड़ा सा थिक भी होता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, ठीक है ना। ओके, इन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू एरियाज, अगर हम क्रॉस सेक्शन करें उसे कट करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है दो एरियाज में जो है डिवाइड होता है, ठीक है ना। एक है क्या, एन आउटर वाइट कॉर्ड, वाइट मैटर जो ऊपर का जो एरिया है उसको बोलते हैं वाइट मैटर, वो वाइट दिखता है, वाइट मैटर होता है। द आउटर रीजन कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, में क्या होता है कि इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूरॉन्स होते हैं। और द इनर ग्रे कॉल्ड ग्रे मैटर, ठीक है ना, ग्रे मैटर उसको बोलते हैं, जो अंदर का होता है उसको ग्रे मैटर कहता है, वो ग्रे दिख रहा होता है। वाइल द इनर कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर ऑफ ग्रे मैटर, उसमें क्या होता है कि नर्व फाइबर होता है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो है ये ग्रे मैटर इसलिए भी ग्रे नजर आता है कि यहाँ पे क्या होता है एक्सॉन, जो एक्सॉन है उसके बॉडीज सेल बॉडीज जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए जो है ये ग्रे नजर आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है वाइट मैटर में, यहाँ पे एक्सॉन के जो जो नर्व सॉरी यहाँ पे क्या था कि न्यूरॉन के जो सोमा होता है सेल बॉडीज जो है बहुत क्लोजली पैक होता है। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूरॉन के जो एक्सॉन है वो यहाँ पे अरेंज हुई होते हैं, ठीक है ना। डायग्राम है ये जो आपको ग्रे नजर आ रहा है ये क्या है, ये ग्रे मैटर है, और ये वाइट है ये क्या है, वाइट मैटर है, ठीक है ना। द एक्सॉन वाइट मैटर में क्या होते हैं एक्सॉन होते हैं, सेंड इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। और डेंड्राइट्स और सोमा ग्रे मैटर, और जो ग्रे मैटर में क्या होते हैं कि सोमा मीन सेल बॉडी होती है न्यूरॉन के, और डेंड्राइट जो होते हैं क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करते हैं। ओके, देन मैसेज आर ब्रॉट बाय सेंसरी न्यूरॉन थ्रू द डॉर्सल रूट, ठीक है ना। मैसेज जो होते हैं वो किससे, कौन से न्यूरॉन से लेके जाया जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो है, जैसे कि आपको पता है कि 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, देन होता है इंटर न्यूरॉन, प्रीमोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है जो रिसेप्टर है, ठीक है ना, उसके जरिए जो है
मैसे लेके जाया जाता है कहाँ पे, डॉर्सल रूट में, ठीक है ना, देयर सोमा इन ई स्पाइनल नर्व, फिर वहाँ पे सोमा जो होता है, हर जो न्यूरॉन का सोमा होता है हर स्पाइनल नर्व का, अलोकेटेड इन वन ऑफ द स्वेलिंग, ये जो एक जो है स्वेलिंग सी होती है, मतलब एक उभरी हुई जगह होती है जहाँ पे ये लोकेट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। गैंग्लिया मीन्स कि जब बहुत सारा न्यूरॉन का क्लस्टर हो, क्लस्टर ऑफ मीन्स जो बहुत सारा गुच्छा सा बना हो, ठीक है, उसको गैंग्लिया कहते हैं। लोकेट नियर बट बैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ होता है ये, स्पाइनल कॉर्ड के बैक पर होता है, ठीक है, द फर्स्ट साइनैप ऑफ ईच सेंसरी न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो फर्स्ट साइनैप है, मीन्स साइनैप मीन्स जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करता है, उसको साइनैप बोलते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ होता है हर सेंसरी न्यूरॉन का, वो ग्रे मैटर में होता है, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होता है, ठीक है। द एक्सॉन एक्सटेंड थ्रू द वेंट्रल रूट टू द स्पाइनल नर्व, उनके एक्सॉन जो है वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं कहाँ के जरिए, वेंट्रल रूट, ठीक है ना, स्पाइनल नर्व के जरिए, ठीक है ना, एंड देन टू एप्रोप्रिएट इफेक्टर सेल, फिर उससे उसके बाद जो है वो जो एप्रोप्रिएट इफेक्टर सेल है जहाँ पे मतलब अब उसको रिस्पॉन्स देना है, वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सर्व एज एक्सप्रेस वे ऑफ सिग्नल्स बिटवीन ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम एंड ब्रेन, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या करता है, काम करता है एक हाईवे की तरह काम करता है, एक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम और ब्रेन के जरिए, मतलब वहाँ से मैसेज लेके भी जाता है और लेकर भी आता है। इट इज ऑल्सो द कंट्रोल सेंटर फॉर द मैनी रिफ्लेक्स, और ये बहुत सारे जो रिफ्लेक्स है इसको कंट्रोल भी जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही कर रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो मेन फंक्शन यही है कि ये जो है हमारे बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स की को कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन के साथ, हमारे उनसे इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेके हमारे बॉडी में मूव करवाता है, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स जो है निकल रहे होते हैं, मर्ज कर रहे होते हैं, और वो नर्व जो है क्या होते हैं कि बॉडी में पूरी बॉडी में फैले होते हैं और वहाँ से मैसेज ट्रांसफर होता है। इसकी जो डिस्क स्लिप है, डिस्क स्लिप का आपने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था कि डिस्क स्लिप क्या, स्लिप क्या होती है, डिस्क स्लिप क्या होती है कि दो वर्टिब्रा के सेंटर में डिस्क स्लिप होती है। तो अगर किसी वजह से वो जेली लाइक सेक्शन होती है जो कि कुशन का काम करती है, हमारे शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, मीन्स अगर स्पाइनल कॉर्ड जो है और वर्टिब्रा आपस में जो है ना, मतलब किसी कोई डैमेज ना हो स्पाइनल कॉर्ड में, तो अगर इन केस किसी वजह से डिस्क स्लिप हो जाए, स्लिप होगी, तो क्या होगा, कोई भी नर्व को जो है ना वो प्रेस करेगी, जब प्रेस करेगी तो मीन्स वहाँ से मैसेज से ट्रांसफर नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा सही से, उसको डिस्क को दोबारा से रिपेयर किया जाएगा, उसको जेली लाइक सिम्टम जो है दोबारा उसके अंदर जो है क्लोज कर दिया जाएगा। तो मीन्स ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारे नर्व सिस्टम का, और इसलिए इसके लिए जो है प्रोटेक्शन के लिए जो है बोनी और मोड़ते हैं, CSF होता है और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि मिड ब्रेन था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हिंड ब्रेन को मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन हमने स्टडी किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है PNS को जो है स्टडी करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।